जब पिच रिपोर्ट आई थी तभी उन्होंने कहा कि टॉस जीत के अगर कोई टीम बैटिंग भी करती है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। इसके लिए फर्क पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज स्टार्टेड यस्टरडे एट जमैका। वेस्ट इंडीज़ ने जो है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम, अगर मैंने पहले भी अपने जो प्रीव्यू किया था उसके अंदर कहा था कि वेस्ट इंडीज़ जो है दे विल गो विथ 5 फास्ट बॉलर्स एंड दे डिड दैट। और उसके अंदर जो है अलज़री जोसेफ को कल खिलाया गया और उसके साथ जो है पाकिस्तान ने भी, उन्होंने जो है वॉरिकन की जगह जोसेफ को खिलाया और पाकिस्तान ने एक चेंज किया। पहले मैंने आपको कहा था कि मोस्ट लाइकली नोमान अली विल मेकिंग हिज वे इन प्लेस ऑफ यासिर शाह हु वेंट विकेटलेस इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। और जो कॉन्फिडेंस है शैटर्ड हुआ हुआ यासिर का और उसकी फॉर्म भी जो है नहीं है, रिदम में नहीं है, और जिसकी वजह से नोमान अली को लेके आया। लेकिन पहला टेस्ट मैच में भी नोमान अली को ही के साथ जाना चाहिए था उनको, लुकिंग एट द फिटनेस एंड द रिदम ऑफ यासिर शाह। बट एक्सपीरियंस है तो इसकी वजह से उनको पहला मौका दिया गया लेकिन वो कुछ कर ना सके। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट मैच जीतना। अगर ये टेस्ट में ड्रॉ होता है तो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जीतती है और 21 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि 21 साल हो चुके हैं जब तक पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज़ में ना सीरीज़ हारा है और अपना, और ये पहली दफ़ा होगा 21 साल बाद कि वेस्ट इंडीज़ जो है पाकिस्तान को अगर ये टेस्ट मैच हराता है या ड्रॉ करता है तो सीरीज़ जीतने में कामयाब होगा। कल का मैच विकेट वॉज सिमिलर टाइप ऑफ विकेट था, उसमें थोड़ा सी ग्रास था बट बेटर देन द फर्स्ट टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच से काफ़ी बेहतर था विकेट, उसके अंदर लाइवनेस थी थोड़ी सी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच देखा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से बॉल फोर्थ डे तक हिलता रहा बॉल। लेकिन कल का विकेट काफ़ी बेहतर था, एक घंटे का मॉइस्चर था जिसके अंदर जब पिच रिपोर्ट आई थी तभी उन्होंने कहा कि टॉस जीत के अगर कोई टीम बैटिंग भी करती है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। इसके लिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी और पाकिस्तान टीम जब बैटिंग कर रही होती है ज़रा हल्का सी भी बॉल हिल रहा हो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है पाकिस्तान टीम को। और यही हुआ कि कल पाकिस्तान के बैट्समैन फिर लड़खड़ा गए, 3 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की। और हॉरेंडस प्ले बाय द 3 बैटर्स, अजहर अली, इमरान बट और आबिद अली, तीनों बहुत ही चीपली आउट हो गए। और जिस तरह से केमर राउच और जेडन सील्स ने बॉल की है, जगह के अंदर बॉल की है, और उसके बाद पाकिस्तान टीम को जो उठाया, जो पाकिस्तान टीम का सहारा बने, वो बने बाबर आजम और फवाद आलम। उन्होंने दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही, 164 रन्स की पार्टनरशिप रही उनकी। उन्होंने जिस तरह इनिंग बिल्ड किया, अपने शॉट्स खेले, बाबर आजम ने कल बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि अपने शॉट्स खेलता गया वो उसने अपने शॉट्स को ब्लॉक नहीं किया, जो उसका नेचुरल गेम है उस तरह खेलता गया। फवाद आलम ने हेड डाउन होकर जो अच्छे बॉल थे उनको छोड़ा, जो बुरे बॉल थे उनको बाउंड्री तक पहुँचाया और दे प्लेड सेंसिबली। और उसके बाद विकेट, एक घंटे तक जो विकेट जो हिल रहा था उसके बाद विकेट बहुत अच्छा हो गया था बैटिंग के लिए। और फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ग्रेट ब्रैथवेट ने थोड़ी गलती कर दी। गलती ये की कि जब केमर राउच ने 5 ओवर किए और आपने जेडन सील्स से सिर्फ 4 ओवर कराए थे, वहाँ वो 1 विकेट ले गया। मेरे ख्याल से जेडन सील्स को थोड़ा और एक्सटेंड देना था, मे बी चाहे 7 ओवर 8 ओवर का, क्योंकि रिदम बन रहा था उसका, रिदम आ रहा था और वो 1-2 विकेट और ले जाता। लेकिन आपने ग्रेट ब्रैथवेट ने उसको वहाँ रोक दिया। उसके बाद बॉलिंग चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी की, शॉर्ट बर्स के अंदर। कल गर्मी बहुत थी जमैका के अंदर, बादलें बिल्कुल चले गए थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड थी और अपना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्लेयर्स जो है काफ़ी डिहाइड्रेट हो रहे थे, क्रैम्प्स आ रहे थे। देखा कि जो डिसिल्वा है उनको भी क्रैम्प्स आने लग गए और उनकी जगह पर जो है हैमिल्टन आ गए थे विकेट कीपिंग करने के लिए। फवाद आलम बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, उनको क्रैम्प्स आए पैर में, क्योंकि क्रैम्प्स आ रहे थे उनको, फिजियो भी देखने आए, लेकिन उसके बाद उनको बॉल भी लगा 1-2 दफ़ा और फिर वापस जो क्रैम्प आए जब उसने उछल के खेला तो वो रिटायर्ड हर्ट होके चले गए। पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूं, इमरान भट्ट और आबिद अली ने अभी तक जो है 6 टेस्ट मैच के अंदर 9 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 199 रन्स किए हैं टोटल, और इनकी 100 रन प्लस की पार्टनरशिप थी, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, जिम्बाब्वे में। समझ के बालातर है कि कंसिस्टेंसी प्लेयर को खिलाने में इमरान भट्ट को क्या है, ऐसा आबिद अली के अंदर क्या है कि इनसे बेहतर एक प्लेयर उभर रहा था, उसको खिलाना चाहिए था, कंसिस्टेंसी रन गो देना चाहिए था। मैं शान मसूद की बात कर रहा हूँ, उनको
एक डेवलप करना चाहिए था प्लेयर, ठीक है एक आध सौ किया था फिर रन नहीं किया था, लेकिन डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन इमरान बट वही मिस्टेक कर रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, या तो वो ड्राइव मार देता है या तो वो रोकने चल जाता है, उसको बाहर के उसकी फिफ्थ स्टंप का नहीं पता होता है कि उसका फिफ्थ स्टंप कहाँ पर है, वो उसी अंदाज में आउट हो रहा है बार बार उसी चीज़ में। और वैसे आबिद अली भी वही है कि फिफ्थ स्टंप के ऊपर वो बॉल को छेड़ देता है और वहाँ पर आउट हो जाता है। अजहर अली का भी यही है, क्योंकि वो कैची बना के खेलता है तो उसका बल्ला खुल जाता है तो वो एक्स्ट्रा कवर की तरह मूव होता है तो वहाँ पर वो एज ले जाता है। अजहर अली से भी रन्स नहीं हो रहे और इट्स एन एन वेरी साइन के नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी है, पहले 12 पॉइंट्स वेस्ट इंडीज़ ले गई है, ये टेस्ट मैच आप हारते हो या ड्रॉ करते हो, जीत जाते हो तो वेरी गुड, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच मोस्ट लाइकली जीत जाएगा और सीरीज़ भी बचा पाएगा, बिकॉज रन्स भी हो गए बोर्ड के ऊपर और अपना जो है 4 विकेटें सिर्फ गिरी हुई है। और कल का दिन जब ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने जो है 212 रन्स कर चुके थे, जहाँ पर नुमाया रहे बाबर आजम 75 रन्स की इनिंग खेली, और अगेन 2020 में आखिरी दफ़ा 100 किए थे बाबर आजम ने, उसके बाद से उनके 100 नहीं हो पा रहे, 50 प्लस कर रहे लेकिन 100 नहीं कर पा रहे, काफ़ी इनिंग्स हो गई है कि 100 वाज मेंटेड, और कल ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम बड़े रन्स करेंगे, बड़ा 100 करेगा, बट अगेन केमा रॉच वाज बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, उसने जगह पे आके बॉल किए और उसने जो है बाबर आजम का आउट किया, बड़ा लो कैच लिया जेसन होल्डर ने, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम केमा रॉच। उसके बाद फवाद आलम 76 पे रिटायर्ड हो के चले गए, वो दोबारा आएंगे बैटिंग करने के, लेकिन रिजवान और फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे, एक रिजवान 22 पे और फहीम अशरफ 23 पे। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान डिंट स्टार्टेड वेल, बट इन द एंड दे रिकवर्ड बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन बाबर आजम एंड फवाद आलम, कि उनकी बदौलत जो है पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे गया और यहाँ से इनिंग बिल्ट होती है तो 300 प्लस रन्स होने की संभावना है और करने भी चाहिए 300 प्लस रन्स, और वेस्ट इंडीज़ को प्रेशर में डालना चाहिए, 300 प्लस रन्स कर दिए तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, आई कैन से इट फॉर श्योर, बिकॉज आखिरी दिन के ऊपर जो है वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करनी पड़ेगी, और पाकिस्तानी बॉलर्स जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ, अब मोहम्मद अब्बास और नुमान अली विल प्ले अ वाइटल रोल इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि विकेट लास्ट टाइम से बेहतर है, यहाँ बॉल ब्रेक होगा, हमने देखा रोस्टन चेस का बॉल ब्रेक होते हुए बाउंस होते हुए, और वेरी वेल एक्सपीरियंस है नुमान अली, एंड नुमान अली कैन बी अ की फिगर फॉर पाकिस्तान इन विनिंग दिस टेस्ट मैच। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम आ रहा है अजहर अली, इमरान भट्ट और आबिद अली, दे नीड टू परफॉर्म, सेकेंड इनिंग है इनके पास, आई थिंक नाउ अगर ये परफॉर्म नहीं करते दैन दे शुड ओपन डोर्स फॉर साउद शकील, जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको खिलाया नहीं तो वो भी बैठे बैठे जंग लग जाएगा, उसको भी वो भी ज़ाया हो जाएगा प्लेयर। सरफराज अहमद की ये वापस से एक ऐसी सीरीज़ हुई कि जहाँ बेचारा जाता है टूर करके आ जाता है, खेलने का मौका नहीं मिलता, दे रियली नीड टू थिंक फॉरवर्ड के क्या करना है, क्योंकि आपको टीम बनानी है या टीम बिगाड़नी है, ऐसा लग रहा है कि टीम बना नहीं पा रहे बल्कि टीम बिगाड़ने में बड़ा मेन किरदार अदा कर रहे हैं ये मिसबाउल एंड कंपनी। तो ये है कि दे नीड टू रियली थिंक, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू गो अप, और इट इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टाइम कि पाकिस्तान की जो तीनों फॉर्मेट में है वो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, बट आई वुड लाइक टू सी पाकिस्तान टीम एट द टॉप, कि वो पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले जितने मैचेस जीतेंगे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा और आपके अंदर एतमाद पैदा होगा तो आप यू कैन गो इन बिग इवेंट विद अ बिग हार्ट, और दूसरी टीम पे आप हावी हो सकते हो, वरना आप बड़े डाउन हो जाओगे। सो ये टेस्ट मैच की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान इन गुड पोजिशन और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दे और ऑल के बटन के साथ ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज ऑल का बटन नहीं दबाओगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी, शेयर ज़रूर कर दिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू, हैव अ लवली वीकेंड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।